हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे। आराम से एन्जॉय कीजिए, मन से पढ़िए। तो आज हम मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 6, इसकी सेकंड थ्योरम है कन्वर्स ऑफ बीपीटी और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ये थ्योरम 6.2 है। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ ट्राइंगल इन द सेम रेशो, तो ये थेल्स या बीपीटी की कन्वर्स है। तो बीपीटी थ्योरम थी कि उसमें लाइन पैरेलल रहती थी, डी पैरेलल टू बी सी थी, या इसका अपोजिट है। तो हमें प्रूव करना है कि ये थर्ड साइड के पैरेलल है। ये किसके पैरेलल है? थर्ड साइड के पैरेलल है। अब देखिए गिवन में आ जाएगा, अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच लाइन डी इंटरसेक्ट साइड ए वी एट डी एंड ए सी एट ई, ये ई पे काट रही है, और सच दैट, किस टाइप से काट रही? इक्वल रेशो, मीन्स ए डी अपॉन डी वी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो ये गिवन है। टू प्रूव में दिस लाइन माने डी लाइन पैरेलल है बी सी के। पिछली थ्योरम थी बीपीटी में कि ये पैरेलल गिवन था और रेशो इक्वल प्रूव करना था। अब इसका अपोजिट हो गया, उल्टा हो गया, इसलिए कन्वर्स थ्योरम है। अब प्रूफ में आएंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है प्रूफ। देखिए तो हमको प्रूफ करना है कि डी पैरेलल टू बी सी, ये प्रूफ करना है। सपोज ये पॉसिबल, सपोज दैट, या सपोज दैट डी, ये पैरेलल का साइन है और ये हो जाएगा नॉट पैरेलल, ये नॉट पैरेलल टू बी सी, डी बी सी के पैरेलल नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना, किसी भी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, यहाँ पॉइंट का नाम क्या, डी पॉइंट था, ये डी पॉइंट है, तो इससे पास होने वाली लाइन डी पैरेलल नहीं है। तो किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन के पैरेलल एक लाइन जरूर होती है। तो डी पैरेलल नहीं है तो अदर लाइन डी डैश पैरेलल टू बी सी, देन अदर लाइन डी डैश पैरेलल टू बी सी, ये हो गया। जैसे ही हमने पैरेलल वर्ड लिखा, हमने पैरेलल लिखा, तो यहाँ थ्योरम यूज हो जाएगी 10, ये 6.1। 6.1 थ्योरम क्या थी? कोई भी लाइन किसी साइड के पैरेलल है तो अदर टू साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। तो यहाँ डी डैश है तो इसमें हो जाएगा ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। देयरफॉर बाय बी पी टी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या और थेल्स थ्योरम, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई डैश, ध्यान रखना है नॉट ई, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी, ये इक्वल आ गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड टू, इक्वेशन 1 और 2 को देखिए, दोनों के एल एच एस इक्वल हैं, ए डी अपॉन डी वी एंड ए डी अपॉन डी वी। जब एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस इक्वल हो जाएंगे, ए ई अपॉन ई सी इक्वल टू ए डैश अपॉन ई डैश सी, ई डैश
सी ई डी एस सी देख। अब हमें आगे बढ़ना है, एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स, एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स, एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स, तो एल एच एस था ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू आर एच एस, प्लस वन इधर भी हो जाएगा, डिवाइड वन मान लेंगे, इधर था, सॉरी सॉरी मेरा यहाँ पे था ए अपॉन ई सी और आर एच एस में था ए डैश अपॉन ई डैश सी प्लस वन अपॉन वन। तो यहाँ हम एलसीएम लेंगे, ई सी आएगा, देखिए तो वन का ए में मल्टीप्लाई ए प्लस ई सी, आर एच एस में एलसीएम आएगा ई डैश सी, तो यहाँ हो जाएगा ए डैश प्लस ई डैश सी। अब आप देखिए, यहाँ देखिए, अब आपको हम फिगर दिखा रहे हैं, देखिए ए से ई, ई से सी, तो ए प्लस ई सी, ए प्लस ई सी, ए सी हो जाएगा। इसी तरीके से ए डैश प्लस ई डैश सी, ये भी ई सी के, ए सी के दो पार्ट हैं। तो इन बोथ कंडीशंस देखिए, ए प्लस ई सी, ये भी ए सी हो जाएगा अपॉन ई सी, इधर भी ए डैश प्लस ई डैश सी, ये भी ए सी हो जाएगा, डिवाइड में ई डैश सी। यहाँ क्लियर देखो, न्यूमरेटर्स आर इक्वल, ए सी ए सी ए सी सेम है और इक्वल साइन है, दिस मीन्स डिनोमिनेटर ऑल्सो इक्वल हो जाएंगे, तो ई सी इक्वल टू ई डैश सी। देखो तो यहाँ देखिए कुछ इस टाइप से बन रही कंडीशन, अभी फिगर में देखेंगे अपन। तो ए ये है ई सी और ये ई डैश, तो ए देखो ई सी और ई डैश सी, देखो ई डैश सी देखो क्लियरली ये बड़ी लेंथ है और ई सी छोटी लेंथ है, ये दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं? ये तभी हो सकते हैं जब ई डैश और ई सेम पॉइंट हो जाए, तो इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन ई एंड ई डैश, ई एंड ई डैश आर सेम पॉइंट, जब सेम पॉइंट होंगे इसका मतलब डी एंड डी डैश ई आर सेम लाइन। देखिए ये कह रहे हैं कि डी एंड डी डैश आर सेम लाइन, तो यहाँ हमें प्रूव करना था कि डी हमने लिया था बाद में डी डैश पैरेलल टू बी सी, इसका मतलब है कि ये डी और डी डैश सेम लाइन है, तो डी डैश सी के लिए मतलब ये है
कि ये डी डैश की जगह, डी डैश की जगह ले सकते हैं डी। देयर फॉर डी पैरेलल टू बी सी। तो हमको यही प्रूफ करना था, हमने पहले इसको नॉट प्रूफ पैरेलल माना था, लेकिन जब वो डी डैश को हमने ये लिया था कि डी डैश पैरेलल टू बी सी, लेकिन यहाँ हमने दोनों को सेम लाइन प्रूफ कर दिया है, तो इसका मतलब है कि डी डैश डी ई डैश की जगह डी लिख सकते हैं। तो ये प्रूफ हो गया, देयर फॉर थ्योरम इज प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड या थ्योरम इज प्रूव्ड। तो ये अपना थ्योरम कंप्लीट हो गई, ये बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है, इसको आप अच्छे से करें, अच्छे से करें।